गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन। कैसे हैं आप लोग गाइस? वेलकम टू अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या मैं ऑडिबल विजिबल हूँ? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? जस्ट लेट मी नो। वेरी वेरी गुड इवनिंग मृत्युंजय, नुजत, हृदय, महिमा, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, टुडे सेशन इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। गाइस, वॉइस क्लियर है? यस और नो? सो मायसेल्फ अजीत तिवारी, having experience more than 15 years and guys, I have mentored more than 10 lakh students, both including offline and online. I have worked as a senior faculty in top institute of Delhi, and you know that my lectures are fused with the memory tricks, and guys, I used to interact a lot. Fine. Yeah guys, aap logon ne mera telegram channel join kar liya hai. So टेलीग्राम चैनल इज अजीत तिवारी सर एट द रेट जनरल स्टडीज। लिंक इज t.me/अजीत लाइव। t.me स्मॉल में है, स्लैश के बाद अजीत लाइव इज इन कैपिटल। आई एम फाइन हृदय, थैंक्स फॉर आस्किंग। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, सो गाइज एज नाउ डेज आई एम फीलिंग पेन इन माई थ्रोट, सो थोड़ा सा मैं वॉइस को स्लो ही बोलूँगा। And because of the pain today, I was not able to take session on BTM channel. मैंने BTM channel पर भी class नहीं लिया और आज plus की class भी मैं नहीं ले पाया because of the pain. So just I am coming for you guys कि आज मैं आपका session ले पाऊँ, fine? So my dear students, थोड़ा सा मैं आज धीरे बोलूँगा, तो please I am expecting cooperation from your side, okay? So today energy level will be somewhat level low as compared to normal, fine? So my dear students, this is my YouTube channel. अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, कर लीजिएगा, fine? So guys, today is mock test 16. ये नंबर यहाँ अटका हुआ है, today is mock test 16. अगर आपने mock test 1 से लेकर 15 तक, अगर If you have missed any session, अगर कोई session आपने miss किया है, all links are available in my Telegram channel, t.me/AjeetLive. All links इस channel में present हैं, आप उसे जरूर देखें, very good quality of questions. My dear friends, आप इस बात को समझें, for your one-stop solution, go for Unacademy subscription. आप बोलोगे सर बार बार आप क्यों समझाते हो, ठीक? बिकॉज गाइज, ये इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स आपके लिए अवेलेबल है, नंबर वन। नंबर टू, डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एसेस, आप कितनी बार भी इसे देख सकते हो। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ 90+ टॉप एजुकेटर्स आर अवेलेबल, ठीक? तो आपके पास बहुत ऑप्शंस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, आंसर राइटिंग, एसे, इथिक्स, सोसाइटी, गवर्नेंस, सिक्योरिटी, सारा टॉपिक्स, करंट अफेयर्स, यू हैविंग नंबर ऑफ ऑप्शंस। आपको प्योर इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है, बायलिंगुअल पढ़ना है, ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू गाइस, माय डियर स्टूडेंट्स। सो अगर आप 2020 में एग्जाम दे रहे हो, गो फॉर वन ईयर सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ्स, 54% का ऑफ चल रहा है। गाइस मुझे बताएं, क्या आप मुझे प्रॉपर सुन पा रहे हो? वॉइस इज क्लियर? बिकॉज टुडे माय वॉइस इज अ लिटिल बिट स्लोअर एज कंपेयर टू नॉर्मल। जैसे आपने बॉक्स में कोड ऑफ सक्सेस अजीत लाइव यूज किया गाइस, डिस्काउंट ऑफ 10%, इट बिकम्स 39,600। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम 2021 में दे रहे हो, 2022 में दे रहे हो, 2023 में दे रहे हो,
इन ऑल दिस केसेस गाइस यू आर हैविंग ऑप्शन ऑफ 24 मंथ्स. बहुत ही ऑसम. इवन इफ यू आर अंडर ग्रेजुएट दिस इज द राइट टाइम टू गो फॉर सब्सक्रिप्शन. ओके समझिए क्यों. फॉर 24 मंथ्स राइट नाउ ऑप्शन चल रहा है आपका 67% का ऑफर चल रहा है ऑफ. फी इज 64,000 और जैसे आपने कोड ऑफ सक्सेस यूज किया अजीत लाइव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड इट बिकम्स 57,600. माय फ्रेंड्स आप 57,600 की फी को नो कॉस्ट ईएमआई में जमा कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड्स. कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट वाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस मैजिकल नंबर 9873987698. आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो. मेरे प्यारे दोस्तों जैसे आप माय फ्रेंड्स जैसे आपने अजीत लाइव कोड यूज किया फॉर 2 ईयर ओनली इट इज एट द रेट ऑफ ₹79 per day. कैन यू इमेजिन एट दिस हाईली नॉमिनल इकोनॉमिकल कॉस्ट ऑफ ₹79 per day आपको प्री मेंस इंटरव्यू गाइडेंस सब कुछ ऑप्शनल ऑल द पॉपुलर ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म. माय फ्रेंड्स ऑनलाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है. हु विल गाइड यू, हु विल मेंटर यू. फाइन ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया है. जैसे आप अजीत लाइव कोड यूज करोगे आई विल बी योर पर्सनल मेंटर. फाइन हम आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, मीट ऐप, जूम ऐप, माइक्रोसॉफ्ट लेंस ऐप. इस ऐप से हम वीकली और फोर्टनाइटली वी आर गोइंग टू हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ताकि मैं आपसे 1-to-1 जितने लोगों ने मेरा कोड यूज़ किया है 1-to-1 मैं उनसे बात करूंगा हाउ दे आर इवॉल्विंग, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ताकि राइट टाइम पे स्ट्राइक करके हम आपको राइट सॉल्यूशन दे पाए. माय डियर फ्रेंड्स प्रॉपर आप मेरे 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हो डे वन. फाइन सो नंबर ऑफ मोर ऑप्शंस वी आर वर्किंग कि कैसे मैं आपको ऑफलाइन से बेहतर मेंटरिंग कर पाऊं. एंड श्योर एंड सर्टेन वी विल डू इट बिकॉज वी आर हाईली पॉजिटिव. यू गाइज आर परफॉर्मिंग वेल, ऑल द प्लस स्टूडेंट्स आर डूइंग ग्रेट. सो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग माई 100% फॉर ऑल दोज हु हैव अप्लाइड माई कोड अजीत लाइव और SP@10. बोथ आर माई माइन कोड. सो मैं उनके साथ बिल्कुल लगा हूँ गाइज एंड ऑलवेज हाई लेवल ऑफ एनर्जी इज देयर. ऑन प्लस ऑलरेडी कम्प्लीट कोर्स ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी कवर्ड है, वन स्टॉप सोल्यूशन. कम्प्लीट कोर्स ऑन फिजिकल जोग्राफी अगेन वन स्टॉप सोल्यूशन. माई डियर फ्रेंड्स राइट नाउ वर्ल्ड जोग्राफी इज गोइंग ऑन. ठीक जैसे वर्ल्ड जोग्राफी खत्म होगा देन 24th of August से ऑसम बैच ऑफ इंडियन ज्योग्राफी इज कमिंग. गाइस अनअकैडमी ने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक बहुत ही इनोवेटिव कंसेप्ट लॉन्च किया है. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. इस आइकॉनिक में प्लस की तरह डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल. प्लस में आई विल बी योर पर्सनल मेंटर. इन आइकॉनिक मेरे साथ साथ यू विल गेट वन एक्स्ट्रा डेली मेंस क्वेश्चन आंसर, स्टडी प्लानर एंड पर्सनलाइज फीडबैक. सो गाइज यू कैन कंटिन्यू विद द आइकॉनिक बैच, इट इज वेरी ऑसम. फाइन फॉर आइकॉनिक बैच फॉर 2 ईयर फी इज 99,000 और जैसे आपने कोड ऑफ सक्सेस अप्लाई किया इट बिकम्स 89,100. माय डियर फ्रेंड्स फॉर 1 ईयर इट इज 64,000 और जैसे आपने अजीत लाइव कोड अप्लाई किया इट बिकम्स 57,600. सो वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. आप जानते हो वेदर इट इज प्लस और आइकॉनिक इन बोथ केस कंप्लीट कोर्स ऑन एनवायरमेंट फिजिकल ज्योग्राफी एंड राइट नाउ दिस कंप्लीट कोर्स ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी इज गोइंग ऑन वेरी ऑसम. कल हम 6:30 पे यूरोप स्टार्ट करने वाले हैं. आप में से जो लोग जिनके पास प्लस की सब्सक्रिप्शन है गाइज आप सबका स्वागत है. डोंट मिस एनी क्लासेस और आप रिकॉर्डिंग्स को जरूर देखें गाइज. 24th August जैसे मैंने आपको बताया आई एम कमिंग विथ वन स्टॉप सोल्यूशन कोर्स ऑन इंडियन ज्योग्राफी. मैं इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स लेकर आ रहा हूँ. ओके सो डोंट वेट फॉर अगस्त.
गो फॉर नाउ फाइन इन सेप्टेम्बर कंप्लीट कोर्स ऑन बायोलॉजी वेरी ऑसम लाइफ साइंसेस इज कमिंग वेरी ऑसम व्हाट टू डू यूज कोड अजीत लाइव एंड गो फॉर योर प्लस सब्सक्रिप्शन इट इज वेरी ऑसम गाइज ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन फाइन सो गाइज जानते हो आप कि मेरे कोर्सेज में मैं प्रॉपर आपको रिवीजन कराता हूँ माय टारगेट इज कि आप 90% सेशन में ही मेमोराइज कर लें गाइज जस्ट गिव मी अ बिग थम्स अप एंड गेट रेडी गाइज फ्राइडे को मैंने प्रीवियस फ्राइडे जो बिता भी फ्राइडे को आई टुक वेरी ऑसम सेशन ऑन प्लेट टेक्टोनिक्स ठीक ऑन द प्रीवियस फ्राइडे फाइन टुडे इज मंडे तो इस प्रीवियस फ्राइडे को मैंने बहुत ऑसम सेशन कंप्लीट एनालिसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स किया था तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या आपको कुछ याद आ रहा है क्या आप इसे समझ पा रहे हो आइए इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं थ्रू क्वेश्चन सो गाइज कम ऑन क्वेश्चन नंबर वन हैव अ लुक ऑन स्क्रीन वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन टूडे फीलिंग वेरी पेन इन थ्रोट आज मैं कम बोलने वाला हूं फ्राइडे को ही मैंने पढ़ाया था टॉपिक डाइवर्जेंट मार्जिन वेरी गुड इवनिंग मणिकांत विकास प्लस कोर्स बेटा बहुत फ्रीक्वेंटली प्लान्ड है या थैंक्स थैंक्स डिक्चन आई एम डूइंग दैट या I am taking warm water as well. Thanks for suggestion. My dear friends, मैंने आप लोगों को बताया था I explained this topic with the great animations on Friday. Friday को with the help of awesome animations मैंने topic को explain किया था क्या हो गया आप लोगों को व्हाट यू गाइस आर डूइंग माय डियर फ्रेंड्स आई एम गौरव अग्रवाल इज ऑप्टिंग ए व्हाट इज हैपनिंग जस्ट लिसन नसीम आकांक्षा रूपा साक्षी सुमन मनप्रीत रत्नदीप दिव्या राहुल सिद्धांत नुजत महिमा दीपमाला So guys, see, right answer is, right, well done, Chandan. Aro Singh, I am fine. Yeah, Manikant, le raha ho, sab kuch le raha ho. Basically, because of so many classes, so a little bit I am taking classes slowly nowadays, fine. So long back. Because of more stress on throat, sometimes it is very common with us. यार 15 साल लगातार क्लास लेने के बाद this vocal cords become sensitive. It is very normal to us. So for 24 hours we have to take rest, or then we have to start slowly. Then it will be normal. So that's why आज मैंने BTM channel पे session नहीं लिया plus की class भी reschedule कर दी. और बस आपकी एक डेढ़ घंटे की सेशन लूंगा आज फ्रॉम टुमारो आई विल बी बैक विद द बिग बैंग सो गाइस सी डाइवर्जेंट मार्जिन टू प्लेट्स आर मूविंग अपार्ट बट ऑब्वियस देयर विल बी फिशर टाइप ऑफ इरप्शन मैग्मा इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ लावा प्लेटू विल बी फॉर्म्ड रिफ्ट वैली फॉर्मेशन अकर्स आइलैंड आर्क ओरिजिनी इज एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंस न कि डाइवर्जेंस मैंने आपको जापान का एग्जाम्पल फिलीपींस का एग्जाम्पल दिया था फाइन
क्या आपको याद है? सो 1, 2, 3 इज द राइट आंसर. ए इज द राइट ऑप्शन. ए इज द राइट ऑप्शन. ठीक, इसकी जरूरत नहीं आपको. सो 1, 2, 3 इज द राइट आंसर. दिस वॉज 1, 3, 4. कोई बात नहीं. 1, 2, 3 इज द राइट आंसर बिकॉज आइलैंड आर्क ओरिजिन. यू सी व्हाट इज हैपनिंग एट डाइवर्जेंट. सी फ्लोर स्प्रेडिंग, एक्टिव वॉल्केनिज्म, सैलो फुकाई अर्थक्वेक, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओशनिक क्रस्ट. ये सब आपको याद आ रहा है. या दीपमाल, आई एम डूइंग दैट. सी ऑलवेज, इनफैक्ट आई एम टेकिंग वेरी हॉट वाटर. ऑलवेज आई एम टेकिंग हॉट वाटर. सी ऑलवेज आई एम डूइंग ऑल दिस. इट इज वेरी नॉर्मल फॉर अस. सी आफ्टर रेस्ट, सम रेस्ट, इट विल बी फाइन. थैंक्स फॉर योर कंसर्न गाइज. A big thanks to all plus students for your cooperation. Guys, so lovely we are having all in family. In my plus group, I mentioned I am not fine. So I got number of messages. So big thanks to you all guys. So have a look. A is the right answer. Formation of ruptures, fault, sea floor spreading, active volcanism, shallow foci earthquake, new oceanic crust. Okay. फॉर्मेशन ऑफ प्लेटूज है ना. चलिए फाइन. फॉर्मेशन ऑफ सबमरीन माउंटेन रीज, मिड अटलांटिक, ईस्ट पैसिफिक रीज, फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली. आपको याद है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, कैसे अफ्रीका ब्रेक कर रहा है. मैंने आपसे बताया भी था कि आप कई वर्षों के बाद देखोगे तो रिफ्ट वैली ब्रेक कर जाएगी. ओके माई डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर टू. आप क्वेश्चन नंबर टू पे आए. चूंकि मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स बहुत ऑसम सी, जो लोग आंसर नहीं कर पाएंगे आप प्लेट टेक्टोनिक्स की फ्राइडे वाले वीडियो को जरूर देखिएगा ऑन दिस चैनल. वेरी लवली क्वेश्चन. मैं मैक्सिमम कॉपरेशन आई एम डूइंग विद ऑल दोस हु आर नॉट ऑन द प्लस. जितना अनअकैडमी अलाउ कर रहे दैट मच आई एम डूइंग ना. डायग्राम में मैंने आपको शो किया था. Guys, very awesome performance, very impressive performance by all of you. Well done. Now I am going to ask, see, C is the right answer. Very well performance, exactly. C is the right answer. Fine. So, Cocos plate and Philippines plate. Guys, Cocos plate is lying between Central America and Pacific. Philippines plate lies between Pacific and Asiatic plate. तो Philippines, Pacific और Asiatic के बीच में. Cocos between Central America and Pacific. Please write in comment section. Write in comment section. Nazca, N-A-Z-C-A. Nazca plate is between. Please write in comment section. Nazca plate is in between South America and Dash. South America and Dash. South America and Dash. Nazca plate between South America and Dash. Please write in comment section. Dash mein kya aayega? Write in comment section. Guys, Nazca plate and what will be in Dash? In Dash it will be Pacific plate. Exactly, Pacific plate. Fine, it will be Pacific plate. So very awesome performance
by you guys. Have a look. C is the right answer. Cocos split between Central America and Pacific. Nazca between South America and Pacific. Arabian, mostly the Saudi Arabian landmass. And Philippines between Asiatic plate and Pacific plate. We have discussed in Friday's video. Well done. Bahut achhi performance aap de rahe ho. Again, this question is from Friday's video. Friday ko maine jo plate tectonic ka session liya tha, us pe maine ye baat repeat ki thi. Agar wo aapko yaad hai, you will be able to answer. Guys, go for this question number 3. My dear students, kal hum log 9:30 pe class 9 NCERT chapter 2 karne wale hain. On this channel at 9:30 p.m. class 9th NCERT Physiography of India. Please don't miss tomorrow 9:30 p.m. Guys, what will be answer? मैंने आपको हिंट दिया था कि इन फ्राइडेज प्लेट टेक्टोनिक वीडियो वी हैव डिस्कस, मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सो. लेट मी सी किन का आंसर सही है. जितनों का आंसर सही मैं उनका नाम लेने वाला हूं. वेल डन हृदय कोहली, मुकेश कुमार एंड दिनेश कुमार एंड बासोराज, निलय, रत्नदीप, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है. माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन, कन्वेयर बेल्ट प्रिंसिपल इज फॉर प्लेट टेक्टोनिक्स. ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के लिए था कन्वेयर बेल्ट प्रिंसिपल. इट वॉज फॉर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. क्या आपको याद है मैंने आपको बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया रिमेन सेम. सरफेस एरिया रिमेन सेम. इट इज नॉट फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. मैंने आपको बताया था कि जो कन्वर्जेंट मार्जिन पे डिस्ट्रक्शन हो रही है दैट इज कॉम्पनसेटेड एट डाइवर्जेंट मार्जिन. कन्वर्जेंट मार्जिन की डिस्ट्रक्शन डाइवर्जेंट मार्जिन के कंस्ट्रक्शन से बैलेंस हो रही है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. जैसे पहला गलत हुआ, ए गलत, गलत, गलत एंड सी इज द राइट आंसर 3 and 4. गाइस, सी इज द राइट आंसर बिकॉज आपको इतना मालूम हो जाए कि कॉन्वेयर बेल्ट प्रिंसिपल इज फॉर प्लेट टेक्टोनिक्स. मैंने आपको बताया था. फाइन, इसका ड्रिफ्ट थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है. ड्रिफ्ट थ्योरी ने एज्यूम किया था कॉन्टिनेंट इज मेड अप ऑफ लाइटर सियाल एंड आर फ्लोटिंग ओवर डेंसर सीमा. फाइन, सो सी इज द राइट आंसर. फाइन, कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो, यस, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4. Very beautiful question. Very beautiful question.
ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत सारी गलतियां हुई थी. नाउ गाइस आई विल एक्सपेक्ट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम योर साइड. मैं आपसे एक एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट करना चाहूंगा. आई विल एक्सपेक्ट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम योर साइड. एप्लेशियन माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका हैव देयर जियोलॉजिकल कंटिन्यूएशन अप टू, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन कहां तक इसका कॉन्टिन्यूएशन है. प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कहां तक, प्लीज राइट राइट इन कमेंट सेक्शन. एप्लेशियन माउंटेन का कहां तक कॉन्टिन्यूएशन है. कॉन्टिन्यूएशन इज अप टू नॉट स्कॉटलैंड अप टू सो नॉट आइसलैंड अप टू स्कॉटलैंड एंड ग्रीनलैंड. स्कॉटलैंड एंड ग्रीनलैंड बताया था आपको. स्कॉटलैंड एंड ग्रीनलैंड इन प्लस कोर्सेज वी हैव डिस्कस. फाइन. वॉल्केनिक डिपॉजिट ऑफ साउथ अर्जेंटीना इज फाउंड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ वॉल्केनिक डिपॉजिट ऑफ करूलैंड. करूलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका, ग्रेटर करू ऑफ साउथ अफ्रीका. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. फॉसिल ऑफ मार्सुपियल्स लाइक ओपोजम्स एंड म्यूजोसोरस ये पूरे के पूरे नॉट इन अंगारा लैंड, दे आर फाउंड इन एंटायर गोंडवाना लैंड. ये पूरे के पूरे गोंडवाना लैंड में लाइक दे आर फाउंड इन साउथ अमेरिका, दे आर फाउंड इन वेस्ट अफ्रीका, दे आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. सो दे आर फाउंड इन गोंडवाना लैंड नॉट इन अंगारा लैंड. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. My dear friends, write in this part, resemblance in frog DNA of Western Ghat is with Maldives is not correct. What will be correct? जिसकी बात हो रही है, that is present at, जिसकी बात हो रही, this is smallest island nation of Africa. जिसकी बात मैं कर रहा हूं, that is hint दे रहा हूं, smallest island nation of Africa, number one. Number two, ये एस से स्टार्ट होगा और एस से खत्म होगा. प्लीज राइट हियर, एस से स्टार्ट होगा और एस से खत्म होगा. प्लीज राइट हियर, एस से स्टार्ट होगा और एस से खत्म होगा. प्लीज राइट हियर, किसकी बात हो रही है. मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा कि आई एम टॉकिंग अबाउट सेचिल्स. सेचिल्स स्मॉलेस्ट आइलैंड नेशन ऑफ अफ्रीका. एग्जैक्टली विनय, साक्षी, रेवाती, मंजू, सुमन. सो गाइज बी इज द राइट आंसर. वेरी ऑसम परफॉर्मेंस. जस्ट गिव मी अ बिग थम्स अप फॉर यू गाइज. हैव अ लुक. एप्लेशन माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका हैव कंटिन्यूएशन अप टू स्कॉटलैंड एंड ग्रीनलैंड. Fossils of marsupials like opossums and mesosaurus found over entire Gondwana land, South America, West Africa and part of Australia. और frog के DNA Western Ghat वाली Seychelles से resemble कर रही थी. So guys, just give me a big thumbs up for you. This is your performance. की तबीयत खराब है, फिर भी guys मैं आपके लिए आ गया हूँ. अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो मैं आपको बिल्कुल याद नहीं दिला रहा कि आपको लाइक और शेयर करना है. ये मैं आपको याद नहीं दिला रहा क्योंकि आपको याद है. कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5. वेरी लवली क्वेश्चन, वेरी लवली क्वेश्चन. पूरा मैंने आप लोगों को याद कराया था. ये काजल इज ऑप्टिंग, थैंक्स हृदय. काजल इज ऑप्टिंग बी. बी काजल, हाउ यू आर ऑप्टिंग बी.
ओ माय गॉड, मुकेश, हृदय, साक्षी, दे आर ऑल्सो ऑप्टिंग बी. ओ माय गॉड, नाउ एवरीवन इज ऑप्टिंग बी. बी इज इन मेजॉरिटी. गाइस, मैंने आपको ट्रिक दिया था, जहां ना पहुंच पाए मैन वही है लहमैन. जहां ना पहुंच पाए मैन वही है लहमैन. सो लहमैन जेफरी बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर. फाइन, तो सबसे नीचे टॉप टू बॉटम वन, बस आपको एक याद हो, जहां ना पहुंच पाए मैन वहां है लहमैन. बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर, बस आपको एक याद हो ट्रिक जो मैंने आपको दिया था. क्या आपको ये ट्रिक याद आया? मैंने बताया था ट्रिपल सी. ट्रिपल सी मींस ट्रिक दिया था आपको, कॉनरेड कॉनरेड के बीच, क्रस्ट क्रस्ट के बीच में कॉनरेड, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो, याद करिए. और मेंटल मेंटल रिपीट इज रिपीट आई. और जैसे आप मेंटल से कोर में जाओगे, वी गॉट हैवी मटेरियल, गॉटेनबर्ग विचार्ड. सो गाइस, बी इज द राइट आंसर. वेरी ऑसम परफॉर्मेंस बाय यू गाइस, जबरदस्त परफॉर्मेंस बाय यू गाइस. गाइस हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. कॉनरेड डिस्कंटिन्यूटी बिटवीन आउटर एंड इनर क्रस्ट, मोहो बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, मेंटल मेंटल रिपीट रिपीटाइड डिस्क, गॉटेनबर्ग विचार्ट, मेंटल एंड कोर, लहमैन जेफरीज बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर. वेरी ऑसम परफॉर्मेंस गाइस. अब थोड़ा सा एक करेंट का क्वेश्चन ले लूं, करेंट एनवायरमेंट. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. जितने लोग प्लस पे नहीं हैं, देयर इज अ स्पेशल क्लास ऑन दिस टॉपिक. अनअकैडमी के वेबसाइट पे एक पूरा का पूरा स्पेशल क्लास इस टॉपिक मैंने लिया हुआ है. प्लीज, क्या गाइस आपको पता है, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे या वेबसाइट पे इन फ्री स्पेशल क्लासेस मैंने बहुत सारे ऑसम सेशंस लिए हैं. अगर आपके पास प्लस कोर्स नहीं है तो आप इन फ्री स्पेशल क्लासेस को जरूर देखें, यू विल लव इट. और आप वहां से पीपीटीज पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस क्वेश्चन पे जाऊं, सो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज टॉकिंग अबाउट कार्बन स्टॉक इन इंडियाज फॉरेस्ट. ये इंडिया स्टॉक के कार्बन स्टॉक की बात कर रहा है. इट इज टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग, हाउ वी हैव टू मॉनिटर. ठीक, फॉरेस्ट फायर की मॉनिटरिंग की बात कर रहा है. फॉरेस्ट कवर्स की डिफरेंट स्लोप्स और एल्टीट्यूड बात कर रहा है. ये मैंग्रोव कवर की बात कर रहा है, नॉट टॉकिंग अबाउट कोरल कवर. फाइन, सो वन टू एंड फोर इज राइट आंसर. वेरी लवली क्वेश्चन. 1, 2 and 4 इज राइट आंसर. फाइन, प्रकाश जावड़कर ने पूरी रिपोर्ट को जारी की थी. फाइन, सो गाइज हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. 1, 2, 4 इज द राइट आंसर. माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करें, आप पूरी की पूरी मेरी एक स्पेशल क्लास इस टॉपिक पे है. लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आर देयर. प्लीज आप उसे जरूर देखें, जरूर देखें. फाइन, चलिए. तो ये फॉरेस्ट इंफॉर्मेशन, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, मैंग्रोव कवर, ग्रोइंग स्टॉक फॉरेस्ट के अंदर या बाहर, कार्बन स्टॉक इन इंडियाज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट टाइप एंड बायोडायवर्सिटी, फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग एंड फॉरेस्ट कवर इन डिफरेंट स्लोप्स एंड अल्टीट्यूड.
स्पेशल थीमेटिक इंफॉर्मेशन थी ऑन फॉरेस्ट कवर सच एज हिल, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इस रिपोर्ट में सेपरेटली मेंशन था, जिसकी मैंने एक ऑसम सेशन अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लास में लिया है। माय डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लास में आई हैव टेकन वेरी ऑसम, ये सब मैं आपको फ्री क्लास से बता रहा हूं, आत्म परीक्षा ऑल इंडिया फ्री टेस्ट सीरीज। देयर आर 1 to 14 टेस्ट, वेरी ऑफ ऑसम क्वालिटी, आप इसे जरूर देखें माय डियर फ्रेंड्स। और फिर इन मंथ ऑफ अगस्त आई विल कम विथ वेरी ऑसम सीजन 2, तो मैं चाहता हूं कि तब तक आप सीजन 1 को कंप्लीट कर लें। आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन सीजन 2 गाइस, 15 टू 16 आवर्स आई एम वर्किंग फॉर यू। जो मेरे हेल्थ का डैश एंड डैश हुआ है ये इसीलिए हो गया है बिकॉज आई एम वर्किंग थ्रू आउट फॉर यू। आई वॉन्ट टू गिव मैक्सिमम टू यू गाइज, कि मैं आपको कितना मैक्सिमम सपोर्ट कर पाऊँ। हैव अ लुक 1000 एमसीक्यू सीरीज ऑन द यूट्यूब, ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे एनसीईआरटी सीरीज क्लास 9 ऑन दिस चैनल, देन चैप्टर 8 ऑन B2M चैनल, देन प्लस कोर्सेज, देन फ्री स्पेशल क्लासेज। So lot of courses I'm preparing for you guys, and always you know that all this up to the top quality, all this up to one stop solution. Mera aapse as a senior, as a buzurg, as a guardian, as a bade bhai, as a chacha ji, jo maan lo aap, ek hi salah hai, give your best, give your maximum, don't feel shy, give maximum. Don't delay, give proper with dedication, discipline that is required for your success. Guys, it is very important. Time and tide wait for none. Ek bar samay nikal jayega aapka. Main janta hoon, mere paas 15 saal ka anubhav hai ki kaise agar educator apna best de aur aapke best nikal de. All of you are having potential. कोई रैंकर्स अलग नहीं होते, रैंकर्स आप ही के बीच छिपा होता है, ये मैं जानता हूँ। फाइन, इसीलिए मैं आपके साथ लगा होता हूँ कि मुझे मालूम है एनी वन ऑफ यू कैन बी ऑल इन द रैंक 1, एनी वन ऑफ यू, बस आपको एक सही गाइडेंस मिल जाए, सही डायरेक्शन मिल जाए, आपकी बेस्ट कोई आपसे निकाल ले। फाइन, बिल्कुल आप हनुमान की तरह होते हो, भगवान हनुमान की तरह, लॉर्ड हनुमान की तरह, कोई आपको बार बार याद दिलाए, यू कैन क्रैक इट, बट ऑब्वियस यू विल क्रैक इट। इस बात को मैं समझता हूँ गाइस, दिस इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मी, फॉर मोटिवेटिंग मी फॉर वर्क वेरी हार्ड फॉर यू गाइस। फाइन, और कई बार हेल्थ का डैश एंड डैश हो जाता है, कोई बात नहीं, सारी बात एक तरफ, जिस दिन आपका रैंक आ जाए टॉप 10 में और फिर आपका फोन आ जाए कि सर झमाझम हो गया गाइस, That will be the most exciting moment for me. Come on, question number next. बहुत चर्चा में था दिस काला पानी, इट वॉज वेरी मच इन न्यूज।
गाइस हैव लुक ऑन स्क्रीन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग राइट आंसर, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू गाइस. सो काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट वाज, अभी देखा आपने काफी हलचल मचा हुआ था बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. सो डी इज द राइट आंसर. ट्रीटी ऑफ सुगौली, ध्यान सुनेगा आप, एस यू जी ए यू आर एल आई, ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816. अब 1816 की बात करें तो भारत आजाद हुआ नहीं था, फाइन. दैट मीन्स ये जो एग्रीमेंट थी, दिस एग्रीमेंट वॉज बिटवीन, ध्यान सुनना आप, दिस एग्रीमेंट वॉज बिटवीन नेपाल और इंडिया की तरफ से कौन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, यहां दो तीन बातें आपको जाननी है. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में इन 1816 ट्रीटी ऑफ सुगौली वॉज डन, फाइन. एंड काली रिवर वॉज कंसिडर्ड एज वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ नेपाल, वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ नेपाल विथ इंडिया, ठीक. अब क्वेश्चन इज, तो इसमें दिक्कत क्या आ गई, अभी देखा आपने जब जब कैलाश मानसरोवर रूट पे इंडिया ने कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो इनको दिक्कत हुई, तो इनको समस्या हुई, फाइन. काला पानी इज लोकेटेड एट अल्टीट्यूड ऑफ 3600 मीटर, ये 3600 मीटर के ऊंचाई पे कैलाश मानसरोवर रूट पे प्रेजेंट है, ठीक. इट बॉर्डर्स उत्तराखंड इन इंडिया एंड सुदूर पश्चिम इन नेपाल, उत्तराखंड इन इंडिया एंड सुदूर पश्चिम इन नेपाल, इसको ये बॉर्डर कर रहा है, ठीक. इतनी बात आप याद रखनी है जो आपको स्क्रीन पर पॉइंट्स दिख रहे हैं, आगे जाके यहां से और क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो बिटवीन नेपाल एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1816 काली रिवर वॉज लोकेटेड एज नेपाल्स वेस्टर्न बाउंड्री विद इंडिया, फाइन. आगे समझते हैं. डिस्क्रिप्शन एंड लीड टू बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक. इंडिया ने भी अपना क्लेम किया, नेपाल ने भी अपना क्लेम किया, डिस्प्यूट आ गया, फाइन. तो इस बात आप देख रहे हो, आप ये नेपाल का वेस्टर्न बाउंड्री की बात हो रही है, ठीक. सो एग्जैक्ट साइज जो काला पानी की है वो वेरी कर रही है, ठीक. इट बॉर्डर्स उत्तराखंड इन इंडिया एंड नेपाल का सुदूर पश्चिम, सुदूर पश्चिम ऑफ नेपाल, उत्तराखंड इन इंडिया एंड सुदूर पश्चिम प्रदेश इन नेपाल के बीच को ये बॉर्डर कर रहा है, ठीक. मानसरोवर रूट पे, कैलाश मानसरोवर पे एट हाइट ऑफ 3600. इतने पॉइंट्स आपको गाइस याद रखने हैं, फाइन. सिंस इंडो चाइना वार 1962, काला पानी 1962 से ही ये ITBP के कंट्रोल में है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के कंट्रोल में है. नेपाल क्लेम कर रहा है रिवर लोकेटेड टुवार्ड्स द वेस्ट ऑफ द टेरिटरी इज मेन काली रिवर एंड दस फॉल इन इट्स टेरिटरी. इंडिया क्लेम अ रिज लाइन टुवार्ड्स द ईस्ट ऑफ कालापानी टेरिटरी एंड हिंस इंक्लूड्स इट इन द इंडियन यूनियन. यहाँ पे काली के ट्रिब्यूटरी को लेकर समस्या आ रही है, ठीक. तो ये आप देख पा रहे हो वाई इंडिया एंड नेपाल आर फाइटिंग ओवर कालापानी, काला पानी को लेके इनको क्यों दिक्कत हो रही है, फाइन. सो लिपुलेख पास, अब गाइस दिस लिपुलेख पास बिकम्स इंपॉर्टेंट. आप लिपुलेख पास एग्जाम में लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लोगे, फाइन. नाउ कम ऑन वेरी लवली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. आजकल हम प्लस पे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, राइट. नाउ वी आर गोइंग थ्रू कंप्लीट कोर्स ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑन प्लस, फाइन. सो गाइज गो फॉर इट. वेरी लवली क्वेश्चन, आई एम एक्सपेक्टिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम प्लस गाइज. अभी मैंने पिछली क्लास से पढ़ाया इसको.
थैंक्स मुकेश, बिल्कुल गौरव, छोटू ने की छोटी हरकत। आपको गाइस इन सारे रिवर को मैप में लोकेट करना है। ओ माय गॉड, क्या कर रहे हो आप लोग गाइस? व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग गाइस, क्या कर रहे हैं आप गाइस? क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चों, अरविंद, यू हैव रिटन डी, नुजत हैज रिटन डी, निलय हैज रिटन डी, वाई? आप लोगों ने डी कैसे कर दिया बच्चों, कैसे आप लोगों ने? ओ माय गॉड, विजेता, आकाश, गौरव, वासवराज, आई थिंक यू हैव गॉट दैट। लिसन गाइस, ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन सोर्स फॉर ऑरेंज रिवर, इट इज करेक्ट। प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, फॉर व्हाइट नाइल व्हाट इज सोर्स, व्हाट इज द सोर्स फॉर व्हाइट नाइल? प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, सोर्स फॉर व्हाइट नाइल, सोर्स फॉर व्हाइट नाइल क्या है? लेक टाना, इथोपियन हाईलैंड, सोर्स फॉर ब्लू नाइल इज करेक्ट। ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। रिवर नाइजर, बिल्कुल आप देख रहे हो, अफ्रीका के ये गीनिया रीजन है, या फोटा जोलोन से नाइजर निकल रही है और पूरा एक आर्क बना के ठीक एक नाइजर डेल्टा की फॉर्मेशन कर रही है। एग्जैक्टली, लेक विक्टोरिया इज फॉर व्हाइट नाइल, सो इट इज करेक्ट। डी इज नॉट करेक्ट, द सोर्स फॉर जम्बेजी रिवर इज काटंगा प्लेटू। काटंगा प्लेटू इज सोर्स फॉर, काटंगा प्लेटू इज सोर्स फॉर जेम्बेजी रिवर, एंड जेम्बेजी रिवर का सोर्स काटंगा प्लेटू है, एंड इट ड्रेन्स इन मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल वो ड्रेन करता है, वो उसका आउटफ्लो है, आउटफ्लो इज मोजाम्बिक चैनल नॉट सोर्स, सो डी इज नॉट राइट। वेल डन गाइज, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों ने दी है। Have a look on screen, my dear friends. Have a look on screen. See. So, Zambezi River has source south of Katanga Plateau and drains into Mozambique Channel. D is the right answer. D is the right answer. Have a look on screen. यहाँ पे Fota Zolon Mountain और फिर ये आके आपको Port Harcourt पे Niger Delta. ठीक? This is about River Niger. रिवर नाइजर के बारे में आपने देखा था, फाइन। अगर मैं ऑरेंज की बात करूं, ड्रेकेंसबर्ग इज सोर्स फॉर ऑरेंज एंड इट इज ड्रेनिंग समवॉट लाइक दिस, फाइन। अगर मैं लेक टाना की बात करूं, सो सी लेक टाना इज सोर्स फॉर ब्लू नाइल, फाइन। और अगर मैं इसकी बात जेम्बेजी की बात करूं, सो जेम्बेजी इज ड्रेनिंग आउटफ्लो इन मोजाम्बिक चैनल, आउटफ्लो इन मोजाम्बिक चैनल नॉट सोर्स। सो आप क्या करना गाइज, आप रिवाइज ऑल रिवर्स फॉर वेडनेसडे गाइज, फॉर वेडनेसडे रिवाइज ऑस्ट्रेलिया, रिवाइज न्यूजीलैंड, रिवाइज साउथ अमेरिका, रिवाइज अफ्रीका फॉर वेडनेसडे, इतना रिवाइज करिएगा आप, फाइन। नाउ हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, सी। सो रिवर जेम्बेजी, लेक काबोरा बासा, लेक करीबा, फाइन। चलिए, ज्यादा मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा। सो दिस इज द आउटफ्लो मोजाम्बिक चैनल, दिस इज द आउटफ्लो। सो डी वॉज द राइट गाइज, डी वालों को थोड़ा सा मैंने डराया था,
डी वालों का थोड़ा सा डराया था, ठीक, टू चेक योर कॉन्फिडेंस, वेरी लवली क्वेश्चन। बिल्कुल आकाश, करेक्ट हुआ आप लोगों का। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 9। टू डेज बैक वी हैव कवर्ड ऑन प्लस कोर्सेस, सुनील बिल्कुल कर सकते हैं आप, सुनील यू कैन डू दैट, नंबर ऑफ पीपल आर डूइंग दिस। ओ माय गॉड, मणिकांत सी कैसे कर दिया? गाइस एनी गेस व्हाट विल बी आंसर? ऑल दोज हु आर अटेंडिंग माय सेशन फॉर फर्स्ट टाइम, प्लीज अटेंड डेली एट 9:30 PM। रोज इस चैनल पे 9:30 PM पे मंडे टू सैटरडे आप सेशन अटेंड करें। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे वी आर गोइंग टू हैविंग MCQ सीरीज, एंड ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे गाइस कल क्लास 9 NCERT चैप्टर 2 वेरी ऑसम सीरीज, प्लीज डोंट मिस इट। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। जेम्बेजी रिवर करीबा डैम इज करेक्ट। ऑरेंज रिवर ऑग रेविस डैम इज करेक्ट। नाइल एस्वान डैम इज करेक्ट। इंगा डैम इज ऑन कॉन्गो रिवर, नॉट ऑन लिम्पोपो। सो बी इज नॉट करेक्टली मैच, बी मैच नहीं है बिकॉज इट इज ऑन कॉन्गो रिवर। फाइन, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सो एंसर इज बी, इंगा डैम इन वेस्टर्न DRC, 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम ऑफ द माउथ ऑफ कॉन्गो रिवर। ठीक, ये आपको एसवेन डैम नाइल पे दिख रहा है, लेक नसीर के आगे। फाइन, चलिए गाइस कम ऑन क्वेश्चन नंबर 10। क्या ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं? गाइस लेट मी नो, क्या ये क्वेश्चन आज हमने किया था? हरियप हरियप, क्या ये क्वेश्चन आज हमने किया था? एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन हमने आज किया था। सो मैंने बताया था कि फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट, ये आपका रिवीजन हो गया। कोकोस प्लेट और फिलीपींस प्लेट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे ये करेक्टली मैच नहीं है, एंड वी हैव डिस्कस सी इज द राइट आंसर। फाइन, तो मैं चूंकि बता चुका था, ये भी मैंने आपको याद करा दिया था। फाइन, ये थोड़ा सा मैप आप देख लीजिएगा, आई विल शेयर द PPT आपके सामने, मैं लाइव सेशन में PDF शेयर कर दूंगा चैनल में, तो आप इसे देखिएगा। फाइन, सो कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज बहुत केयरफुली पढ़िएगा, टू मोर स्टेटमेंट्स आर देयर ऑन नेक्स्ट PPT, सो वेरी केयरफुली पढ़ लीजिए आप। 1 2 3, 1 2 3। क्या आप 1 2 3 पढ़ चुके हो? नाउ कम ऑन 4 एंड 5। 4 एंड 5,
अभी मैं एक बार पीछे दोबारा पीपीटी दिखा दूंगा, आई विल शो यू बैक वंस, जस्ट गो थ्रू दिस, एक बार ऑप्शंस देख लीजिए आप, एंड नाउ हैव अ लुक अगेन। आपको देखना करेक्ट कौन सा है। सो 1, 2, 3 में कौन सा करेक्ट है आप देख लीजिए, 4, 5 में कौन सा करेक्ट है देख लीजिए आप। फाइन गाइज, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेल डन विनय, काजल, सी सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, वेल डन गाइज, वेल डन, सी इज द राइट आंसर। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, मैग्डलेना बेसिन सेलेंट फीचर ऑफ कोलंबिया नॉर्थ इथियोपियन हाईलैंड, ये कोलंबिया की सेलेंट फीचर है, वेरी फेमस फॉर पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड कॉफी प्लांटेशन। ठीक, आपको साउथ अमेरिका के मैप में नॉर्थ मार्जिन पे दिखता है। ठीक, नॉट करेक्ट। कार्टाजीना इज फेमस फॉर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, रिफाइनरीज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी एंड प्रोटोकॉल ऑन द बायोसेफ्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज करेक्ट। कोटोपैक्सी इज लाइव वॉल्केनो, वेयर एज चिम्बोरेजो इज स्लीपिंग वॉल्केनो ऑफ इक्वेडोर, इक्वेडोर नॉट कोलंबिया, ये इक्वेडोर का है नॉट कोलंबिया, सो इट इज नॉट करेक्ट। आप देख पा रहे हो कि कितना माइन्यूट मिस्टेक्स हैं। ठीक, मैग्डलेना बेसिन कोलंबिया, कोटोपैक्सी इज लाइव वॉल्केनो, चिम्बोरेजो इज स्लीपिंग वॉल्केनो ऑफ इक्वेडोर, कलाओ इज वेरी फेमस एंट्री पोर्ट ऑफ पेरू, इट इज करेक्ट, ये फेमस है। अरिका इज ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, अरिका इज इन अटाकामा डेजर्ट, इसी के पास एक और प्लेस है इकुकी, इकुकी, तो अटाकामा डेजर्ट नॉर्थ पेटागोनिया, सो 2 and 4 इज राइट आंसर। माय स्टूडेंट्स, आप इसे अच्छे से रिवाइज करिएगा, हैव अ लुक। मैसी मैग्डलेना बेसिन सेलियंट फीचर ऑफ कोलंबिया, इंपॉर्टेंट फॉर पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड कॉफी प्लांटेशन। ठीक, यहां पे अरिका एंड इकुकी, अरिका एंड इकुकी ड्राइएस्ट प्लेस, यहां पे है अटाकामा डेजर्ट, देयर इज अटाकामा डेजर्ट नॉट पेटागोनिया डेजर्ट, सो इस बात को आप याद रखोगे। ठीक, कोटोपैक्सी इज लाइव वॉल्केनो, चिम्बोरेजो इज स्लीपिंग वॉल्केनो ऑफ इक्वेडोर, तो ये इक्वेडोर का वॉल्केनो है। फाइन, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वेरी लवली क्वेश्चन, वेरी लवली क्वेश्चन। देयर इज वन मोर स्टेटमेंट ऑन द नेक्स्ट पीपीटी, दिस इज 4, दिस इज 4, दोबारा देख लीजिए आप, सेकेंड देख लीजिए आप,
थर्ड देख लीजिए आप एंड फोर्थ देख लीजिए आप, बहुत प्यारा क्वेश्चन है गाइस। एंड नाउ गो फॉर योर आंसर, गो फॉर योर आंसर, गो फॉर योर आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां मैंने आपसे इनकरेक्ट पूछा है, क्या पूछा है? इनकरेक्ट। क्या आपने इनकरेक्ट ध्यान दिया? क्या आप लोगों ने इनकरेक्ट ध्यान दिया? यस और नो, क्या इनकरेक्ट ध्यान दिया? यस और नो। ओके गाइस, ओके फाइन, सो टेक केयर ऑफ दिस इनकरेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, इनकरेक्ट के होने के बाद हैव अ लुक। एंडीज इज अ फोल्ड माउंटेन रेंज विथ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज एक्सटेंडिंग फ्रॉम इस्थमस ऑफ पनामा टू मैगलन स्ट्रेट, टू मैगलन स्ट्रेट। कहां तक? मैगलन स्ट्रेट। मैंने आपको मैपिंग में मैगलन स्ट्रेट साफ साफ याद कराया था, सो दिस इज इनकरेक्ट। एंडीज माउंटेन रेंज हैव इंटर माउंटेन प्लेटू, पीडमंट नहीं है, या पीडमंट है? यहीं पे आपको कंफ्यूजन होगा, यहीं पे आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक गाइस, पीडमंट भी है, इंटर माउंटेन भी है, दिस इज करेक्ट। लेक टिटिकाका इज हाईएस्ट कमर्शियली नेविगेबल लेक ओवर ओवर इंटर माउंटेन प्लेटू बोलिवियन, ओवर बोलिवियन प्लेटू, जो कि एक इंटर माउंटेन एंडीज रेंजेस के बीच में है। सो इट इज नॉट पिडमंट, फुट हिल पर नहीं है, ये एक इंटर माउंटेन है। तो वन इज इनकरेक्ट, थ्री इज इनकरेक्ट। आगे देखिए, देर आर मेनी पास, नो देर इज ओनली वन पास, वन पास उस प्लाटा पास, कहां से कहां तक? कनेक्टिंग वेल परेसो टू ब्यूनस आयर्स। तो क्या क्या इनकरेक्ट है? वन इज इनकरेक्ट, थ्री इज इनकरेक्ट एंड फोर इज इनकरेक्ट। सी इज द राइट आंसर, वन थ्री एंड फोर। आर यू गेटिंग? आइए इस बात को, सी इज द राइट आंसर। गाइस, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, जस्ट गिव मी अ बिग थम्स अप, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। एंडीज इज अ फोल्ड माउंटेन, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, मुझे एक थम्स अप दें। विद लॉन्गिट्यूडनल वैलीज एक्सटेंडिंग फ्रॉम इस्थमस ऑफ पनामा टू मैगलन स्ट्रेट, हाईएस्ट कमर्शियली नेविगेबल लेक ओवर इंटर माउंटेन पे टू बोलिवियन, ओनली वन पास उस प्लाटा, आपको मैंने प्लस कोर्सेज में ट्रिक बताया था, इस पार से उस पार, उस प्लाटा पास, थ्रू विच ट्रांस इंडियन रेलवे पासेस कनेक्टिंग चिली टू अर्जेंटीना, चिली टू अर्जेंटीना, ये मैंने आपको बताया था। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन गाइस। तो आप ये वेलपरेसो से ब्यूनस आयर्स, चिली टू अर्जेंटीना, वेलपरेसो टू ब्यूनस आयर्स, आप थ्रू उस प्लाटा पास आप देख पा रहे थे। फाइन, चलिए गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्लीज आप इसे गलत नहीं करना, आप इसे गलत करोगे आई विल गेट इमोशनल, मैं बहुत ही इमोशनल हो जाऊंगा, प्लीज आप इसे गलत नहीं करना। विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ ब्राजील, ब्राजील के साथ कौन बाउंड्री शेयर कर रहा है? So guys, Chile is not sharing,
इक्वेडोर इज नॉट शेयरिंग, पेरू इज शेयरिंग, बोलिविया इज शेयरिंग। बिल्कुल गाइस, वेल डन, बिल्कुल गाइस, वेल डन। सी इज द राइट आंसर। कौन शेयर कर रहा है? पेरू एंड बोलिविया इज शेयरिंग, चिली और इक्वेडोर शेयर नहीं कर रहा है। सो सी इज द राइट आंसर। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। ये आपको ब्राजील दिख रहा है, इक्वेडोर दूर है, पेरू कोलंबिया से शेयर कर रहा है, ब्राजील से नहीं कर रहा है, चिली दूर है। ठीक, सो इक्वेडोर एंड चिली आर नॉट शेयरिंग। ठीक, इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ पेरू और बोलीविया, ऑप्शंस में आपको पेरू और बोलीविया थे जो शेयर कर रहे थे, चिली नहीं कर रहा था, इक्वेडोर नहीं कर रहा था। सो सी वाज द राइट आंसर। आउट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस की बात हो रही है, जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं उसकी बात हो रही है, उसमें कौन कौन से शेयर कर रहे हैं, कौन कौन से नहीं कर रहे हैं। आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन, क्या आपने मेरी पीछे के डिस्कशन को ध्यान से सुना? ठीक, क्या आपने मेरे पीछे के डिस्कशन को ध्यान से सुना? वही तय करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, वही तय करेगा। वट विल बी एंसर? गाइज, अभी मैंने पीछे आपको दिखाया था, ये इसीलिए क्वेश्चन पूछा कि क्या आप डिस्कशन को ध्यान से सुनते हो। टूडे इट सेल्फ आई हैव एक्सप्लेन इट, आज ही मैंने एक्सप्लेन किया है। एस्वेन डैम नाइल इन इजिप्ट देखा है आपने, ओवन डैम व्हाइट नाइल, करीबा डैम जेम्बेजी, कोपरो बैसा, इट इज ऑन जेम्बेजी रिवर। प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, वेयर इज द सोर्स ऑफ जेम्बेजी रिवर, जेम्बेजी रिवर का सोर्स कहां पे है। सो डी इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए आप, अभी हम लोगों ने पीछे किया था, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ डिस्कशन को आप प्लीज ध्यान से सुने, बिकॉज आप अच्छे बच्चे हो। फाइन, सी ऑन जेम्बेजी रिवर लेक कोबोरा बासा, कटांगा साउथ ऑफ कटांगा प्लेटू सोर्स आउट फ्लो इन मोजाम्बिक। यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है, जस्ट टू चेक कि क्या आप ध्यान से सुन रहे हो। आई एम वेरी हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस, All of you guys have given right answer. All of you have given right answer. So guys, एक big thumbs up तो बनता ही है, a big thumbs up तो बनता ही है। Aswan Dam, Nile in Egypt, Owen White Nile, Kariba Zambezi, Tabora Basa in Zambezi River. So guys, a big thumbs up and last question of day. बिल्कुल चंदन, बिल्कुल सुमन, हृदय, मुकेश, अनन्या, काजल, मनप्रीत, कुसुम, वेल डन गाइस, कम ऑन दिस क्वेश्चन।
गाइज व्हाट विल बी राइट आंसर, गो फॉर इट। Guys, in this question, see here, for D, 1, 2, 4, 2. 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 Beta Aman, go through 50 hours video on this platform. For one stop solution go for plus, कोई shortcut नहीं है, रोज समझाते आप लोगों को, fine. So for D 1 2 4 2, अब try करिए, very awesome performance by you guys, very awesome performance by you guys. And my dear friends, right answer is A. A is right answer. Well done. A is right answer. Well done, guys. Have a look on screen. A was Tanami Desert, B Great Sandy, C Gibson and D Victoria. Fine. तो ये मैंने आपको बता दिया था. Have a look. A is Tanami Desert. B is Great Sandy, C is Gibson and D is Great Victoria Desert. So A is the right answer. Fine. Guys, मैं आपको रोज रोज बताता हूं. A big thank you for your awesome performance, for your one stop solution. Aman, you know that if you want to have solution for pre mains interview, बार बार मैं बता के थक गया हूं. इवन इफ यू गाइस आर आस्किंग, वन स्टॉप सॉल्यूशन कांट बी एनी अदर सोर्स, इट शुड बी, इट मस्ट बी, इट विल बी योर प्लस कोर्स. अब प्लस कोर्स में आपको गाइडेंस चाहिए तो आपके पास ऑप्शन है, यूज कोड अजीत लाइव एंड गो फॉर योर सब्सक्रिप्शन. फाइन, बट ऑब्वियस ऑनलाइन सोर्सेस rather than all these free courses on all the platforms, they will give you fragmented information. Fine, ye baat aap jab samajh le. For any query you can WhatsApp me on this number. Guys, jara aap apne Telegram channel ko check karke batao. Please check your Telegram channel aur mujhe batao ki kya aapko PDF aaj ki session ka share hua. Guys, just let me know. चेक इन योर टेलीग्राम चैनल, क्या आपको पीडीएफ आज का शेयर हुआ, और जैसे शेयर हुआ राइट इन कमेंट सेक्शन. ओपन योर टेलीग्राम एंड माय डियर फ्रेंड्स लेट मी नो राइट इन कमेंट सेक्शन. आप मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, चेक योर टेलीग्राम, क्या आपको अजीत तिवारी सर एट द रीजनल स्टडीज इस चैनल में, गाइस आपको आज की क्लास का पीडीएफ मिल गया. ग्रेट नुजत गीतांजलि, फाइन. जिन लोगों को नहीं मिला प्लीज चेक, आप चेक कर लें. ओके, ग्रेट ग्रेट, फाइन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको रिवाइज करा दूं. डेली मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ होगा इस चैनल पे. I will be for you guys at 9:30 PM. Fine. Don't miss any session. Monday, Wednesday, Friday हम MCQs करेंगे और Tuesday, Thursday और Saturday हम NCRT करेंगे. Tomorrow at 9:30 PM. See you guys with very exciting session, awesome images, awesome animation in Physiography of India. Tomorrow at 8:30 PM, guys, class 8 NCRT is going on B2M channel. ठीक, तो आप 8:30 पे आप मेरे दो NCRT सीरीज कल कर सकते हो. 8:30 PM पे B2M चैनल पे क्लास 8 की NCRT, लिंक मैं इस चैनल पे शेयर कर दूंगा. फाइन,
एंड एट 9:30 टुमारो ऑन दिस चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 2। फाइन ऑल प्लस गाइस प्लस वालों की कल 6:30 से वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कोर्स ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी। आप में जितने लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस पे हो, सी यू ऑल टुमारो एट 6:30 PM। गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। फाइन थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। गाइस लेट्स क्रैक इट, लेट्स मेक इट वायरल। बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर योर लव एंड अफेक्शन, थैंक्स फॉर योर नंबर ऑफ लवली मैसेजेस। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।